हेलो दोस्तों, वी ब्लॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के प्रैक्टिस सेट सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम पांचवा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो उनको टाइम पर मिलती रहे। तो आइए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वेयर एंड वेन वॉज निक मैप वॉज इस्टेब्लिश। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निक मैप को कब और कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बैंगलोर 1977, यानी बैंगलोर में 1977 में निक मैप को इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में, निक मैप का फुल फॉर्म क्या है। निक मैप का फुल फॉर्म है नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर फॉर मशीन टूल्स एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ पर ईयर दिया है, यहाँ पर इसका प्लेस दिया है, तो यहाँ पर हर चीज़ याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सोल 2.0 हैज़ मॉड्यूल। तो यहाँ पे पूछा गया सोल 2.0 में कितने मॉड्यूल होते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं कितने होते हैं मॉड्यूल इसमें। तो इसमें होते हैं 6 मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे सोल का फुल फॉर्म क्या है। सोल का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था इन्फिलिपनेट ने। तो यहाँ पर मैंने सारी जानकारी नीचे दे रखी है, और सबसे नीचे मैंने दे रखा है कि जो 6 मॉड्यूल हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जिस सीक्वेंस में मैंने दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में होते हैं, एक्विजिशन, कैटलॉग, सर्कुलेशन, ओपैक, सीरियल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन 6 को भी याद रखिएगा कि कौन कौन से मॉड्यूल सोल 2.0 में होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, एनविस स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर पूछा गया एनविस का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एनविस का फुल फॉर्म क्या है। तो एनविस का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये कब आया था, ये आया था, ये बना था 1982 यानी 1982 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, पॉपलाइन इज एन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडेड बाय। तो यहाँ पे पूछा गया है जो पॉपलाइन है एक ऑनलाइन सर्विस है, इसको कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन प्रोवाइड करता है इसे। तो इसका आंसर होगा मेडलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन में है मेडलर्स। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देखते हैं, पॉपलाइन का फुल फॉर्म क्या है। पॉपलाइन का फुल फॉर्म है पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, ठीक है। वहाँ पे मेडलर्स का भी फुल फॉर्म मैंने दे रखा है नीचे है, उसका फुल फॉर्म है मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पर इसका आंसर देखिएगा कि पॉपलाइन ऑनलाइन सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, तो वो मेडलर्स करता है। तो आगे चलते हैं, द फुल नेम ऑफ सेंडॉक इज। तो यहाँ पर पूछा गया सेंडॉक का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या नाम है इसका, इसका नाम है स्मॉल इंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो यहाँ पे सेंडॉक का फुल फॉर्म ये है, और इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं, इसको कब बनाया गया था। इसको बनाया गया था 1970 में यानी 1970 में। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, डेलमार्क लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाई। जो डेलमार्क लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है किसने डेवलप किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन सही आपका एक और क्वेश्चन बन गया है कि अगर यहाँ पर पूछा जा सकता है कि डेलमार्क क्या है, तो आप ये याद रखिएगा ये एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं कि डेलमार्क लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किसने बनाया था। तो इसका आंसर है डेलनेट ने, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डेलमार्क के साथ में एक और सॉफ्टवेयर बनाया गया था डेल प्लस। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग यूज़ के लिए बनाए गए थे, तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों का यूज़ क्या है, मैंने लिख रखा है। तो सबसे पहले डेल प्लस का देखते हैं, तो डेल प्लस की यूज़ में क्या है, तो देखते हैं डेल प्लस बनाया गया था स्मॉल लाइब्रेरीज़ के लिए, जहाँ पे 1 लाख तक का कलेक्शन हो वहाँ पे डेल प्लस का यूज़ किया जाता है उन लाइब्रेरीज़ में। और डेल मार्क का यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा का कलेक्शन हो जिस लाइब्रेरी में, यानी लार्ज लाइब्रेरीज़, तो वहाँ पर हम डेल मार्क का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं डेल नेट क्या है। डेल नेट का फुल फॉर्म है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ये कब बना था, ये बना था 1988 में यानी 1988 में। इसको फंड कौन करता है, निसेट। तो निसेट का फुल फॉर्म क्या होगा, निसेट का फुल फॉर्म है नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन सब का मैंने फुल फॉर्म बता दिया है, इनका ईयर बता दिया है, और ये कहाँ यूज होते हैं ये भी बता दिया है। तो इनको ध्यान रखिएगा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन मैंने कवर भी करा दिया इसी एक क्वेश्चन में। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, और मैं हिंदी इसलिए बताता हूँ ताकि हिंदी वालों को आसानी रहे। इंग्लिश वाले तो इंग्लिश देख के पढ़ सकते हैं, हिंदी वालों को मैं हिंदी में बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पूछा गया नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन इज है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन है वो किस टाइप का इंडेक्स है।
तो आप हम देखते हैं किस टाइप का है। तो ये एक क्लासिफाइड इंडेक्स है, ठीक है, नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन क्लासिफाइड इंडेक्स है। इसके बारे में देखते हैं इसको कौन पब्लिश करता है। इसे पब्लिश करता है इंसडॉक, ठीक है, जो अब निस्केयर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ कि कब बदला था, किस ईयर में बदला था, ये मेरी पिछली वीडियो में है, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप मेरी पिछली वीडियो से जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल बताई है कि इस डॉग को कब निस्केयर में चेंज किया गया था। तो यहाँ पे कब से ये नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन पब्लिश हो रहा है, ये हो रहा है जनवरी 1981 से, यानी जनवरी 1981 से। इसकी फ्रीक्वेंसी है मंथली, यानी ये मंथली पब्लिश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ OCLC। तो यहाँ पे पूछा गया OCLC का प्रीवियस नेम क्या था। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट नेम है वो तो है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, तो उसको मत टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन में वो भी है। तो यहाँ पे इसका पुराना नेम क्या था, तो इसका पुराना नाम था ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, ठीक है। इसको जब स्टार्टिंग में बनाया गया था तो इसका नाम रखा गया था ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, फिर बाद में इसका नाम चेंज करके ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर दिया गया। तो यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा इसका पुराना नाम। यहाँ पे हम देखते हैं इसका कब आया था, ये बना था 1967, यानी 1967 में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पूछा गया है इंडेस्ट इज, जो इंडेस्ट है वो क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए इंडेस्ट क्या है, इंडेस्ट है एक कंसोर्सिया, ठीक है, इंडेस्ट एक कंसोर्सिया है। इसके बारे में थोड़ी देखते हैं कि इंडेस्ट का फुल फॉर्म क्या है। इंडेस्ट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था MHRD ने, ठीक है, जो MHRD ने इंडेस्ट को बनाया था, ठीक है। MHRD का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया है हु स्पॉन्सर्स बोनेट, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है बोनेट को कौन स्पॉन्सर करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर होगा NISET। इसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल देखते हैं, बोनेट का फुल फॉर्म क्या है। बोनेट का फुल फॉर्म है बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क। इसको कब बनाया गया था, 1992, यानी 1992 में इसको सेटअप किया गया था। किसने सेटअप किया था इसको, इसको क्या था, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, यानी NCST। तो मैंने फुल फॉर्म भी दे रखे हैं, यहाँ पे ईयर दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से इसको देख लीजिएगा। NISET का भी फुल फॉर्म मैंने दे दिया है, और काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कवर कराया है क्वेश्चन से, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आपको इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध है, उस वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।